press the bell icon for all updates. एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है. नर्वसनेस इसलिए क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है फॉर द अभी, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम हुआ है मुंबई शिफ्ट हुए, एंड देन उसके बाद अब ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एंड वो भी इतना बड़ा शो इतने बड़े बैनर के साथ, सोनी के साथ एंड इतने बड़े अच्छे एक्टर्स के साथ. तो ये आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि मुझे इतना जल्दी मिल गया काम. नहीं, कभी नहीं सोचा था एक्चुअली. मेरे मॉम डैड भी, उन्होंने भी नहीं सोचा था. तो मतलब कि जब मैंने न्यूज़ क्रैक करी अपने पेरेंट्स को, तो उन लोग भी मतलब बिलीव नहीं कर रहे थे काइंड ऑफ कि अरे नहीं नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा, मतलब कि तब तक मुझे भी बिलीव नहीं हुआ जब तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया एंड पता चला कि येस आई गॉट द शो. प्रोमो देखने के बाद काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं अभी कहीं से. प्रोमो उन्होंने देखा तो बोल रहे हैं काफ़ी क्यूट लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. बोला ठीक है, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ एक्चुअली, मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं मैं क्यूट नहीं लग रहा हूँ या ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि तो मैंने बोला ठीक है होगा शायद. ओके लेट्स सी. शिविन के साथ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि वो भी दिल्ली से है, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो वो बहुत अपना भाई वाला बॉन्ड था काइंड ऑफ, वो पहले से ही था. बट हाँ, जेनिफर मैम के साथ थोड़ा डिफिकल्टी ये हुई कि मैं बहुत नर्वस था उनको लेके क्योंकि मेरा बचपन से उनके ऊपर क्रश रहा है, मैंने उनको शोज़ में देखा है. तो काइंड ऑफ उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं एंड अपोजिट टू हर, इट्स मतलब कि काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू. मतलब कि काइंड ऑफ वो जब सामने हम लोग पहला सीन जब हमने किया, तो सबसे पहला शो में मेरा पहला सीन ही उनके साथ था. तो आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज शेकिंग एंड फिर उसके बाद मैं पूरा पिंक हो चुका था. तो मतलब कि वो मैम चल के आ रही थी, मैंने सोच रखा था इतना सब कुछ बोलूँगा मैम को जब मैं पहली बार मिलूँगा एंड ये वो. बट जब वो आई तो मैं बस इतना बोल पाया कि हाय गुड मॉर्निंग मैम, दैट्स इट. तो उसके बाद लेकिन मैम ने बहुत कम्फर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया एंड उसके बाद इट वॉज क्वाइट ईजी. फिर उसके बाद धीरे धीरे हम जेलअप हुए काइंड ऑफ, तो फिर सीन अच्छा निकला. जेलअप होने के बाद क्या आपने बताया कि आपका क्रश थे? नहीं आज तक नहीं बताया मैंने. तो अब देखते हैं जब मैम कुछ बोलेंगे कि यू आर परफॉर्मिंग गुड, तब मैं कुछ बोलता हूँ शायद से कि ओके मैम यू आर वेरी प्रिटी एंड ये वो मैं बोलूँगा तब. यस ओके. ये शो की अगर बात करें, ये शो का लव स्टोरी भले ही है लेकिन थ्रिलिंग शो है. yeah. लव स्टोरी नहीं है, लव स्टोरी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लव स्टोरी नहीं है क्योंकि ये सब कुछ बहुत एक काइंड ऑफ फैमिली ड्रामा होने वाला है. ठीक है, इसमें बस एक नफरत जो है जिसको हमेशा से टारगेट किया गया स्टार्टिंग से, तो वो चीज़ ज़्यादा दिखेगी इसमें, ज़्यादा प्यार से ज़्यादा नफरत दिखेगा इसमें. तो यस, मेरा कैरेक्टर बहुत ही कलरफुल है, बहुत रंगीन है, बहुत फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है एंड कम्प्लीट स्पॉइल्ड ब्रैट जिसके पापा उसको सब कुछ ला के दे देते हैं. अगर कुछ भी चाहिए तो अगर मैं हासिल नहीं कर सकता तो मेरे डैड सब कुछ ला के दे देते हैं. तो बस वो एनर्जी के साथ है एंड आज तक कोई टेंशन नहीं हुई लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें हैं. तो फुल ऑफ कलर्स है बस, दैट्स इट. एंड मुझे बहुत सारा प्यार दें और शो को बहुत सारा प्यार दें. सोनी को आप देते ही आ रहे हैं प्यार बहुत, तो बाकी शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा. तो क्योंकि हम सब एज अ टीम हम सब मेहनत कर रहे हैं, तो शो को ऑब्वियसली बहुत सारा प्यार दीजिएगा और खास और फिर मुझे भी. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.